दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे मंत्र की जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और वो है कस्टमर का फायदा सोचना। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर छोटे व्यापारी बिजनेस में अपना पूरा दिमाग इसी में लगा देते हैं कि उनका अपना फायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लेकिन आप अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि उन्हें इससे क्या फायदा हो रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से आपके कस्टमर को फायदा हो रहा है, अगर उसे ये नहीं लगता कि बिना वजह बस उसकी जेब खाली हो रही है, तो वो कस्टमर का फायदा मल्टीप्लाई होकर आपके पास जरूर आएगा। बिजनेस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये मंत्र हर बिजनेस के लिए वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आपके पास जूते चप्पल का बिजनेस है और आपके पास कोई ग्राहक फुटवेयर लेने आता है, आप उससे डायरेक्ट पूछते हैं भैया कितना नंबर, और जूते या चप्पल दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बस अपना बिजनेस दिख रहा है, आपको अपना जूता बेचना है। जबकि अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप उसके फायदे की बात कर पाएंगे। आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि उस जूते का ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है। क्या वो मजदूरी या खेती का काम करता है तो उसे मजबूत जूते दिखाइए। क्या ये जूते वो ऑफिस में पहन कर जाना चाहता है तो उन्हें ऑफिशियल लुक वाले ड्यूरेबल जूते दिखाइए। क्या वो ये जूते किसी पार्टी में या लड़की देखने जाते समय पहनना चाहते हैं तो उन्हें फैशन वाले ऐसे जूते दिखाइए जो दिखने में महंगे और अच्छे लगें, भले मजबूती इतनी ना हो। यदि आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो ग्राहक के नज़रिए से सोचिए कि जब आपका ग्राहक अपने परिवार के साथ आपके यहाँ खाना खाने आया है तो वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया है। ऐसे में आप कोशिश कर सकते हैं कि उनके इस पूरे एक्सपीरियंस को यादगार बनाया जाए। हो सकता है कि आप उनकी फ़ोटो वगैरह खींचने में भी मदद करें। ये ध्यान रखिए कि संभवतया खाना उन्हें अपने घर से महंगा ही पड़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के बदले आप अपने ग्राहक को खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करें। आप अगर कस्टमर फर्स्ट की अप्रोच रखते हैं तो निश्चित ही आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि ग्राहक से ही व्यापार है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।